फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉडिफिकेशन फ्यूर। ये मेरी पल्सर 150 है। इसमें मैंने बहुत मॉडिफिकेशन किए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें और एक चीज ऐड करने जा रहा हूँ। आज हम ऐड करेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है कि BS3 और BS4 बाइक्स में यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर होता है वो कंपनी ने इसके पहले नहीं दिया था। ये BS6 मॉडल्स में दिया हुआ है, यहाँ पर आता है, जो बहुत कूल लगता है मुझे तो। वो मैं इसलिए मैं वो इंस्टॉल करने वाला हूँ आज। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बाइक का टोटल लुक है ये। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए मेरा बाइक का टोटल प्रॉपर लुक है ये। पीछे से ऑलमोस्ट NS लुक है इसका, और आगे से पल्सर वाला लुक है। अगर आपको ये बाइक पसंद आई तो लाइक कीजिए पक्का, एक तो लाइक तो बनता है ये बाइक के लिए। तो आपको दिखा देता हूँ रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही रिफ्लेक्टर हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पर नेम लिख के होगा, रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्स कहकर। ये आपको किसी भी बाजार शोरूम में मिल जाएंगे आसानी से, क्योंकि ये यहाँ पर लगा होता है कि बाइक गिरने पर मुझे लगता है कि टूट जाएगा, इसलिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा कहीं पर भी। देख लीजिए, इसका प्राइस है 65 पर पीस। मैं आपको दिखा देता हूँ अनबॉक्स करके ये कैसे दिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है रिफ्लेक्टर। ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा, तो बहुत अच्छा लुक मिलेगा बाइक को। ये यहाँ पर इंस्टॉल होगा। हम इसको इंस्टॉल करने से पहले इस सरफेस को क्लीनली क्लीन करना होगा, क्योंकि कोई ऑयली सब्सटेंस होगा या कुछ डस्ट होगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसलिए हम इसे पहले शैम्पू थोड़ा लगा के इसके ऊपर पानी से क्लीन कर देंगे, ठीक है ना। मैं आपको क्लीन, आप प्रॉपरली क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ये स्टिकर जो होता है इसका, ये स्टिकर निकाल के डायरेक्ट ऐसे लगाना है। इसमें कोई होल नहीं करना या कोई स्क्रू नहीं डालना, सिर्फ ड्यूअल साइडेड टेप आता है इसके पीछे, तो ये स्टिकर का बैक साइड लेबल जो होता है वो निकाल कर हमको यहाँ पे फिक्स कर देना होगा। बस इतना ही है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मैं आपको करके बताता हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शैम्पू डाल लेता हूँ ऐसे। थोड़ा सा डालने के बाद यहाँ हम जहाँ जिस सरफेस पर इंस्टॉल करने वाले हैं उस सरफेस को क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें झाग आ जाएगा, आने के बाद सूखे ब्रश से इसको पोंछ देंगे। इस तरह से क्लीन कर देंगे नीट से। तो ऐसे सूखा वेस्ट है, हम यहाँ पे इसे नीट से क्लीन कर देंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी ऑयल या डस्ट होगी तो आसानी से निकल जाएगी। सेम हम इस तरफ भी कर लेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्टर से इसमें स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टर हम ज़्यादा ऊपर इंस्टॉल कर देंगे तो भी गुड लुक नहीं देगा, ज़्यादा डाउन में कर देंगे तो भी गुड लुक नहीं देगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो एंडिंग पार्ट होता है स्टेम का, सस्पेंशन का, उससे सिर्फ एक उंगली जितनी गैप रखना है हमको, तो ये यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपरली मिडिल में इंस्टॉल करना होगा। ये थोड़ा राइट साइड भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा लेफ्ट साइड भी नहीं आना चाहिए। प्रॉपरली आप जब आप इस साइड पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लगना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक उंगली जितनी गैप, तो देख लीजिए एक उंगली जितनी गैप है यहाँ पर, हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। करने के बाद थोड़ा पुश कर दीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखा ना आपने कितना आसानी से इंस्टॉल हो गया ये। सेम उस तरह से हम लेफ्ट साइड वाले स्टैम्प पर भी कर देंगे। तो ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसको। आप यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि ये उंगली जितनी गैप, देखिए बस इतनी वाली, इतनी सी आपको सेंटर में देख लेना है। उसके बाद इस तरह से प्लेस करके आपको थोड़ा जोर से पुश कर देना है, बस इतना ही, स्टिक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी से इंस्टॉल हो गया ये। आप देख सकते हैं कि बाइक को ये कितना गुड लुक दे रहा है।
देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत परफेक्ट लग रहा है क्योंकि BS6 मॉडल में यह है। मेरी बाइक तो ऑलमोस्ट BS6 मॉडल ही लगती है मुझको, क्योंकि बेली पैनल जो है ये सेपरेट से इंस्टॉल किया गया हुआ है और ये रिफ्लेक्टर्स भी मैंने अभी इंस्टॉल किए हैं, तो काफ़ी बाइक अट्रैक्टिव लगती है मेरी। अगर आपको भी अट्रैक्टिव लगती है तो लाइक, एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स।